कपड़े से ज्यादा बिक गया बाजार में कफन। हाकिम ये कह रहा है कि सब ठीक ठाक है। साथियों, आप लोगों ने एक मुहावरा सुना होगा, चोरी और सीना जोरी। यही हालत इस समय मोदी सरकार की है। हिंदुस्तान के लोगों की 6.5 करोड़ वैक्सीन मोदी जी ने विदेशियों को बेच दी, 93 देशों को बेच दी। देश के लोग वैक्सीन लगाने के लिए लंबी लंबी कतारों में खड़े हैं। घंटों इंतजार करने के बाद केंद्र बंद किए जा रहे हैं। रजिस्ट्रेशन के नाम पर ऑनलाइन व्यवस्था है और आम आदमी अपना रजिस्ट्रेशन नहीं करा पा रहा है। और इस वैक्सीन के संकट के खिलाफ अगर लोगों ने पोस्टर लगाकर विरोध दर्ज करा दिया तो उनको गिरफ्तार किया जा रहा है। ऑटो वालों ने सिर्फ ये लिख दिया कि भाई मोदी जी, आपने हमारे बच्चों की वैक्सीन विदेशियों को क्यों दे दी, इस पर उनको गिरफ्तार कर लिया गया। दिहाड़ी मजदूरों ने अगर पोस्टर लगा दिया तो उनको गिरफ्तार कर लिया गया। ये किस प्रकार की तानाशाही है, ये किस प्रकार की चोरी और सीना चोरी है। आप हिंदुस्तान के लोगों की 6.5 करोड़ वैक्सीन विदेशियों को बेच दे, वो गुनाह नहीं, वो गलती नहीं, वो अपराध नहीं, लेकिन अगर उसके खिलाफ कोई पोस्टर लगा के अपना विरोध दर्ज कराता है तो उसको आप उठाकर अंदर कर लेंगे, उसको जेल में डाल देंगे। तो इसलिए मैंने सोचा पुलिस की जांच में समय बर्बाद करने की जरूरत ना पड़े और ये पोस्टर मैं भी लेकर बैठा हुआ हूँ। आपको कोई जांच करने की जरूरत नहीं है और मैं भी यही कह रहा हूँ कि मोदी जी, हमारे बच्चों की वैक्सीन विदेश क्यों भेज दी। अब अगर ये कहना और ये लिखना गुनाह है तो आप तत्काल हम लोगों को गिरफ्तार करके जेल में डाल दीजिए। जितनी संगीन धाराओं में FIR लिख सकते हैं FIR लिख दीजिए, मुकदमा दर्ज कीजिए, जो कार्रवाई करना हो कहीं करिए। लेकिन हम लोग बार बार इस सवाल को आपसे पूछेंगे कि मोदी जी, आपने 6.5 करोड़ वैक्सीन विदेशियों को क्यों बेच दी।